मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं? काफी दिनों से खिंची खिंची हैं, पहले की तरह बात ही नहीं कर रही। क्या बात करूं, मुझे तो तुम्हारी ख्वाहिशें ही डराने लगी। देखो मीराल, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा था, उसने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा किया है। बहुत लाड़ उठाए तुम्हारे, लेकिन जो अधूरी रह गई है उन पे सब्र कर लो, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों हमारे बस की बात नहीं? अब्बा फौत हो गए, हमने हकीकत तस्लीम कर ली, लेकिन हम क्यों अपनी जिंदगी एक छोटे से शहर में महदूद कर दें? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, आपको सीना आता है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ना वहां जाके। आप बस थोड़ी सी हिम्मत करें ना, अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हारे मामू कभी भी हमें वहां जाने नहीं देंगे, और हम दो औरतें तन्हा वहां कैसे रहेंगी? रह लेंगी, मामू कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आप मेरी सरपरस्त हैं, मामू नहीं, आप मुझे लेकर जाएंगी बस। फिर वही जिद, कहां लेकर जाऊं तुम्हें? इतना बड़ा शहर है, इतना महंगा, हम रहेंगे कहां पे? उस्मान उस्मान अंकल, अभी आपको याद है अब्बा की डेथ के वक्त उन्होंने कहा था कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो बस मुझे एक आवाज दे लेना। वो अब्बू की दोस्तों की तरह नहीं, बिल्कुल भाइयों की तरह है। वो करेंगे ना हमारी मदद, कर देंगे ना? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है।